Welcome back, dear friend, to the question and answer section of Center of Aviation and Space Centurion University. So, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि we take randomly some question, which is ज्यादातर जो question आता है students लोगों का, so हम लोग try करते हैं उसको. I personally try to answer all this question, what I feel it's an important to answer. And also request कि जब आप कोई भी question हमें भेजते हैं या पूछते हैं, please go through this playlist we have for question and answer section about career in aerospace engineering from Center of Aviation and Space. So उससे क्या होगा कि जो similar type का question होता है, जैसे कि एक एक question हमारे पास एक question 87 times आया था, एक single question को बार बार पूछा गया कि कितना salary structure होना चाहिए, क्या qualification होना चाहिए, तो similar question आपका क्या है, डेफिनेटली सारा इसमें क्वेश्चन को हमने आंसर किया है, आपके पास होना चाहिए, क्योंकि हम लोग ऑलरेडी क्वेश्चन एंड आंसर नियर अबाउट मोर देन 1000 प्लस क्वेश्चंस मिला था, उसमें सेग्रीगेट करके सिमिलर कैटेगरी को हमने कैटेगराइज किया है. तो आपका जो भी क्वेश्चन एंड आंसर रहेगा डेफिनेटली यहाँ पर होगा. अगर नहीं है समथिंग फ्रेश यू कम अप द माइंड, यू डेफिनेटली आस्क एंड आई अप्रिशिएट दैट. सो लेट्स जंप इनटू द टुडे क्वेश्चन, टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है सनी कुमार, आरआर हाई स्कूल फ्रॉम बिहार. तो सनी आपने पूछा है व्हाट इज द एवरेज सैलरी ऑफ एरोस्पेस इंजीनियर पर मंथ. देखिए एवरेज सैलरी इज अ वेरी नाइस क्वेश्चन एंड आई अप्रिशिएट आपने ये क्वेश्चन पूछा है. बहुत सारे बच्चों ने पूछा है क्या एवरेज सैलरी होना चाहिए. ये एवरेज सैलरी हम लोग बोल रहे हैं फ्रॉम 2022 के हिसाब से. हो सकता है जब आप वीडियो आगे फ्यूचर में देख रहे हो तो उस हिसाब से बढ़ गया होगा. सो लेट्स गो टू द सैलरी सेक्शन. इट्स एक्चुअली वेरी फ्रॉम कंपनी टू कंपनी एंड गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट. जैसे आप जानते हैं गवर्नमेंट की सैलरी स्ट्रक्चर सेवेंथ पे सिक्स पे के बाद वो काफी बढ़ चुकी है और उसमें डेफिनेटली वो ग्रेड के हिसाब से मिलता है. जैसे गवर्नमेंट एजेंसी में आपका इसरो हो गया, हाल हो गया, डीआरडीओ हो गया, दीज आर द गवर्नमेंट एजेंसीज, वहां पर उनके ग्रेड के हिसाब से सैलरी मिलता है. इवन प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन, प्राइवेट कंपनी ऑल्सो दे पे वेरी गुड सैलरी ऑन द फॉर द एरोस्पेस इंजीनियरिंग. और एज अ फ्रेशर आपको डेफिनेटली आपका इंटरेस्ट होगा एज अ फ्रेशर, तो फ्रेशर के बारे में हम लोग बिट बाई बिट देखेंगे कौन सा ऑर्गेनाइजेशन कितना पे कर रहा है. सो बेसिकली ये डिफरेंट डिफरेंट कंपनी से पोस्ट और आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी से वेरी करता है. अगर हम लोग ऐसे मोटा मोटी देखें फ्रॉम इट इज वेरी फ्रॉम 55,000 से 70,000 पर मंथ के हिसाब से आपका सैलरी वेरी करता है फ्रॉम डिफरेंट प्राइवेट एंड एज वेल गवर्नमेंट में डेफिनेटली ज्यादा है इन सब ऑर्गेनाइजेशन में. सो लेट्स आप सम सैलरी स्ट्रक्चर देखते हैं कुछ ऑर्गेनाइजेशन का क्या क्या है. जैसे कि यहाँ पर एयरबस में देखिए एनुअली उन्होंने 15.8 लाख का सैलरी. कैप्जिमेन में दे टेक्निकल पब्लिकेशन में काम करते हैं. टाटा एडवांस सिस्टम में इट्स 5 लाख एंड कैप्जिमेन में 7 लाख. सो यू कैन सी एंड हम लोग अपना जो एरो मास्टर क्लास एंड प्लेसमेंट सेल जो हमारा रेगुलरली अपडेट करता रहेगा. व्हेन आप यहाँ पर इंजीनियरिंग जब बीटेक एरोस्पेस में यू ज्वाइन द प्रोग्राम ओवर हियर, तो हमारा प्लेसमेंट सेल एंड एरो मास्टर क्लास रेगुलरली आपको अपडेट करता रहेगा कौन सा इंडस्ट्री में कितना वैकेंसीज आया, क्या आया. एवरी यू नो वीकली यू विल गेट ए रिव्यू. जब भी आएगा आपको प्रिपेयर किया जाएगा आपका जो भी कैसे आपको सीवी बनाना है, कैसे आपको इंटरव्यू फेस करना है. देयर विल बी लॉट ऑफ मॉक ऑफ इंटरव्यू. सम इंडस्ट्री एक्सपर्ट जो इंडस्ट्री में ऑलरेडी एस्टेब्लिश है इंटरव्यू लेते हैं, इंटरव्यू कंडक्ट करते हैं. दे विल बी योर यू नो डायरेक्टली दे विल बी टेकिंग योर क्लासेस. दे विल बी फ्रॉम ग्रूमिंग से लेके कैसे बात करना है, कैसे बॉडी लैंग्वेज करना है, क्या प्रिपरेशन करना है, कैसे इंटरव्यू को स्पेसिफिकली उसको क्लियर करना है, कैसे कॉम्पिटिटिव को सब क्लियर करना है. यहाँ पर सारा आपको हैंड होल्डेड सपोर्ट रहेगा फ्रॉम सेंटर ऑफ एविएशन स्पेस. कुछ दूसरे ऑर्गेनाइजेशन का देखते हैं. इसे हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स हाल का है 12.6 से, सर्दन एरोलेक्ट्रॉनिक 4.4 और टेक महिंद्रा 4.9 से 5 लाख तक का ये सैलरी स्ट्रक्चर. आज पर ये तो सैलरी स्ट्रक्चर इज बिटवीन फ्रॉम 2020 से लेकर 2021-22 के एवरेज है. जैसे जैसे वीडियो आप बाद में देखते जाओगे उस हिसाब से उसका वो भी चेंज होता रहेगा. सो लेट मी टेल यू कि जो भी सैलरी स्ट्रक्चर है इट इज फॉर फ्रेशर. जब आप आहिस्ते आहिस्ते एक्सपीरियंस गेन करेंगे डेफिनेटली आपका सैलरी भी बढ़ता जाएगा. सो यहाँ पर हम लोग आपको ये हैंड होल्डेड सपोर्ट देते हैं. वी प्रिपेयर यू फॉर द इंडस्ट्री. यहाँ पर स्किल एनहांसमेंट के जो हमारे प्रोग्राम है
अपार्ट फ्रॉम द बीटेक एरोस्पेस यू आर गोइंग टू हैव अनदर अराउंड 35-36 स्किल एनहांसमेंट प्रोग्राम है, जिसमें कि आप इंडस्ट्री ओरिएंटेड दूसरे भी स्किल प्रोग्राम में आप मास्टरी कर सकते हैं। इट विल बी एन वैल्यू ऐड टू योर, जब इस मास्टरी करने से फायदा है कि आप इंस्टेंटली एक स्किल अप होने से आपका एक लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। एंड वेन यू लॉन्ग टर्म में क्या फायदा है, जब आप लोग इंटरव्यू अटेंड करोगे, पकड़ लो एक बंदा आया जिसने ही फ्रॉम डिफरेंट यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस, यू हैव द सिमिलर डिग्री विथ यू, बट यू आर डिलीवरिंग मोर वैल्यू सेम सैलरी में। सोचो एक सेम सैलरी में ये बंदा ए भी कर रहा है, बी भी पता है, सी भी पता है, डी भी स्किलफुल है, और एक बंदा ओनली ए में है। डेफिनेटली देर आर चांसेस आपको अनफेयर एक एडवांटेज मिलेगा टू बी सिलेक्टेड। वी आर ओनली सेंटर ऑफ एविएशन स्पेस, हम लोग हमेशा अपने को एक सीढ़ी मानते हैं। वी आर अ लैडर और वी वॉन्ट टू बी अ लैडर फॉर यू, फ्रॉम ए 12th पास स्टूडेंट से लेकर एक सक्सेसफुल एरोस्पेस इंजीनियर तक। स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस को हम लोग हैंड होल्डेड सपोर्ट रहेगा। यू विल हैव एन की ऑफ सक्सेस, उसको आप जैसे ही डोर में ओपन करते हो, यू ओपन द डोर ऑफ एन अपॉर्चुनिटी एंड दैट अपॉर्चुनिटी इज अ स्पेस, दैट अपॉर्चुनिटी स्पेस। इमेजिन यू आर क्लाइंबिंग इन अ लैडर, ओपन द की ऑफ सक्सेस, ओपन द डोर एंड सी द स्पेस, एंड द स्पेस इज लिमिट फॉर यू माई डियर फ्रेंड। सो आई होप मैंने आपका क्वेश्चन का आंसर सेटिस्फेक्शनली दिया है। इफ एनी थिंग यू वॉन्ट टू नो मोर, यू कैन बिलो चेक कर सकते हैं हमारे डिस्क्रिप्शन को। यू कैन यू हैव ऑलरेडी हैव आवर ईमेल आईडी और व्हाट्सएप नंबर एंड सोशल मीडिया डिटेल्स, बट एनीथिंग यू आस्क दिस डिस्क्रिप्शन कंटिन्यूसली और अपडेटिंग, सो यू कैन गेट कनेक्टेड टू अस एंड आस्क फर्दर क्वेश्चंस। आई लव टू आंसर क्वेश्चंस ऑफ स्टूडेंट्स एंड डेफिनेटली आई विल लव टू सी यू इन द कैंपस सून। सी यू कैंपस सून। थैंक यू वेरी मच।